going to go straight to my colleague Ritik Mondal. बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम शुरू में पहुंचे, लाइक हम लोग ऑल द वे फ्रॉम चांदीपुर पीएक्सी एनडीएच वहां से आए हैं, एंड वी आर बेसिकली हम लोग जो सिविल अथॉरिटी है उसको हम बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड एज ऑफ नाउ जितने भी इंजर्ड हुए हैं वी हैव बीन असिस्टिंग देम. सो फार वी हैव ट्रीटेड अराउंड 25-30 इंजर्ड पर्सन्स, एंड मेन प्रॉब्लम आ रही है कि जो ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं. तो आर बॉयज, वी आर अराउंड 80-90 ऑफ अस, एंड वी हैव बीन कंसिस्टेंटली वर्किंग एंटायर नाइट के उनको वहां से निकाला जाए, क्योंकि एक बार अंदर धस गए हैं तो जितना अंदर रहेंगे उतना ही उनके बचने के चांसेस कम होते जाते हैं. तो इतना कोशिश रह रहा है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उनको निकाला जाए, एंड इसीलिए सारे अभी मौजूद हैं और भी हमारी फोर्स आई हुई है कि जितना हो सके निकाला जाए, क्योंकि विथ ईच एंड एवरी पासेज ऑफ टाइम उतना ही उनका कम होते जा रहा है. अगर जितना अंदर रहेंगे उतना ही बचने के चांसेस कम होते जाते हैं. आई डू अप्रिशिएट वेरी इनिशिएटिव, वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि इस मंजर पर आपका यहाँ पर मौजूद रहना कितना अहम हो जाता है. पूरे देश ये समझ रहा है, लेकिन हमें जरा बताइए कि आगे वाला जो दो बॉगीज है अब तक कितना अंदाजा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मिनट दर मिनट डेड बॉडीज जो है वो वहां से निकल रहा है. कितने लोग अभी भी वहां पर फंसे हो सकते हैं, अंदाजा क्या है? अभी एग्जैक्टली लाइक मेजर चंक जितना निकलना था इट हैज वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, जितने हम निकालने थे ऑलरेडी क्लियर हो चुका है. बट एज ऑफ नाउ अभी मैं एग्जैक्टली आपको एस्टिमेट तो नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, बट यस आफ्टर सम टाइम, गिव अस सम टाइम, क्लियर हो जाएगा. और थोड़ा टाइम निकलकर कौन से अस्पताल में फौरन पहुंचा? देखिए ऐसा है कि ऑल द नियर बाई हॉस्पिटल्स हैव बीन एक्टिवेटेड, सारे अस्पताल चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बालेश्वर हो, सबको एक्टिवेट कर दिया गया है. सारे एम्बुलेंसेस और फ्रॉम ऑल द वे एवरी हर कुछ अवेलेबल है, बट कुछ ऐसा स्पेसिफिक हॉस्पिटल तो है नहीं, क्योंकि इतने सारे इंजर्ड हैं कोई एक हॉस्पिटल तो केटर नहीं कर पाएगा उनके लिए. तो आई बिलीव एंटायर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एवरीबडी हैज ओपन देयर गेट्स के एडमिट किया जाए. सर हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर हवाई गोते लगाते हुए यहाँ पर पहुंचता है, इसका कारण क्या है यहाँ पर? आई पर्सनली आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक प्रोबेबली सम वीवीआईपी उनका मॉन यू नो एरिया इंस्पेक्शन करने आए हैं, मोस्ट लाइकली टू इंस्पेक्ट के कितना डैमेज हुआ है, यू नो पोस्ट डैमेज कंट्रोल. आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. ये भी बताया गया था कि कल रात से उन्हें स्टैंड बाय रखा गया था अगर किसी को एयरलिफ्ट करना पड़े. यस यस आर यस एयरफोर्स वॉज हमारे इट वॉज पार्ट ऑफ द प्लान के ऐसे भी रखा गया है कि पॉसिबली इफ एयरफोर्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट सर्टनली, एंड बट एज ऑफ नाउ तो अभी चल रहा है एज यू कैन सी, एंड वॉट एग्जैक्टली एस्टिमेट तो विल कम टू आफ्टर सम टाइम ओनली. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. तो हमने देखा कि किस तरीके से आर्मी के जो जवान हैं इस पर जुड़ चुके हैं और ये एक अहम बात बन जाती है राहत और बचाव कार्य में. कैमरा पर्सन विद गेटिंग अस ऑल ऑफ दोस डिटेल्स एंड आल्सो इंद्रजीत कुंडू, वी विल कंटिन्यू टू कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन ऑल ऑफ दोस डेवलपमेंट्स. दिस इज अनडाउटेडली वन ऑफ इंडियाज वर्स्ट ट्रेन ट्रेजेडीज. 237 पीपल हैव डाइड, ओवर 900 हैव बीन इंजर्ड, मेनी ऑफ देम ग्रीवियसली.